に顔伸びて。あざほしゃけよね。あおさかて。それまんじゃねえおたくねぶれ。めかのんろごてさっかんぎ。へりやて。こんこんあらいかりぶ。じはつぺれそれまんじゃぶれかんなんこいくさできなちゃて。あちゃめちゃうてん。सिलवान शाह ने आपको खाने पर बुलाया है भाई। अच्छा आता हूँ मैं। उनका दिया हुआ जहर भी इससे ज्यादा मजेदार था। तो ये अच्छा नहीं है हाँ? तो जाओ फिर उनका जहर ही पियो। रुको 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 बैठो बैठ जाओ शायना। मजाक कर रहा था। बहुत बुरी हो। और मेरी जान से प्यारी शायना। इन प्यारे प्यारे हाथों से कुछ बुरा पक सकता है बोला इतने मजे का बनाया तुमने तो कि इतनी उम्र में कभी भी इतना लजीज खाना नहीं खाया मैंने यकीन करो मेरा क्या पता मेरा दिल रखने को कह रहे हो बल्ला शाही ना बहुत मजेदार है अच्छा बस आराम से अंदर आ जाएगा मैं बहुत डर गई थी नूरगुल पता ना करे अगर किसी रोज कोई ऐसा काम कर दिया मैंने जो तुम्हें पसंद ना आया तो मैं खुद को माफ नहीं करूंगी कल हम उस किले से सलेबियों का सफाया करने जा रहे हैं अगर मैं शहीद हो जाऊं तो मेरे लिए एक भी आंसू मत बहाना वादा करो मुझसे अगर शहीद हो गए तो वादा है एक आंसू नहीं बहाऊंगी ये तो शर्फ होगा हमारे लिए रखकर शुक्र अदा करूंगी
तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं सारी। जी बिल्कुल बाबा, तैयारियां पूरी हैं। अब देखें वो कला हमारे आजम के आगे कितनी मज़ाहिमा दिखाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। तशरीफ लाइए। शुक्रिया। इस जंग के मामला देखने में आपके ढंग से हिम्मत भी नहीं कर सके हम। आपने अपने औताक में, कबीले में, दिल में तो जगह दे दी सुलेमान शाह, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। माशाल्लाह, सुभानअल्लाह। कल जहाद का दिन है। बिल्कुल, जुल्म को रोकने और जालिम को कुव्वत ईमानी दिखाने के लिए जिहाद की नियत की है हमने। अल्लाह काई कबीले को इंशाल्लाह ताबत जहाद में मसरूफ रखे। आमीन आमीन आमीन। आपकी आने वाली नस्लों को जुल्म रोकने के लिए और जालिमों को अदल की ताकत दिखाने के लिए हुक्मरानी नसीब हो। आमीन आमीन आमीन। साहब, तशरीफ लाएं, खाना तैयार है। चलिए आइए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शुरू कीजिए। चलो शुरू करें। बिस्मिल्लाह। ज़्यादा कर्मा दिखा सली थी, नहीं तो काट के रख दूंगा। इधर आओ। ये तुझसे कहना, जिस अर्तगल की तुम्हें तलाश थी वो किला फतह करने आ गया है। और ये भी कहना कि सुलेमान शाह अमान देने के लिए एक बार, जो आखिरी बार होगी, उससे बात करना चाहते हैं। हम जवाब का इंतजार कर रहे हैं। चलो जाओ। इन काफिरों को क्या करना है भाई? फिलहाल तो कहीं छुपा दो इन्हें। खुदावन का नूर सलेबी जंगों को यकीन की रोशन राह दिखाए। लोगों ने किले का मुहासर कर लिया है मेरे आका। हम यहाँ कैद हो गए हैं। क्या
इनका सरदार किले के बाहर आपसे मिलना चाहता है। हमें फिर से तुम कुछ बताओ कि क्या मामला है उस्ताद तेतुश? लश्कर ने किले का मुहासरा कर लिया है मेरे आका। बसियों के मुहाफिजों की तादाद दुगनी बल्कि तीन गुना कर दो। रात का पहरा और बढ़ा दो। मरकजी दरवाजे के पीछे और सिपाही लगा दो। किले नजर की तादाद बढ़ा दो। वो क्या देख रहे थे? जाओ। मैं आपके मनसब में तरक्की और मुकद्दस फरीजे पर फाइज होने की मुबारकबाद देने आ रहा था मेरे आका। इसके लिए मुनासिब वक्त नहीं है अभी, फिर बात करेंगे। क्या कोई गड़बड़ हो गई मेरे आका? आओ मेरे साथ चलो। सिपाहियों, फौरन दरवाजे की हिफाजत ले लो, जल्दी करो। तलवारें, भाले और ढाले, सारा सामान जल्दी बाहर निकालो। कोई मसला है क्या आका? हर तरह ने काई लश्कर निकल करने का मुहासरा कर लिया है। उनकी जरूरत कैसे हो गई? इस जरूरत की उन्हें भारी कीमत अदा करनी होगी। सोच रहे हैं अहम उस वक्त जब हम उन पर चढ़ाई की तैयारी कर रहे थे उन्होंने दावा बोल दिया। सलेबी उस्तादों ने अहम फैसले कर लिए थे। काई कबीले पर हमले के लिए सलेबी तंजीम के और कब्रस के खतरनाक जंगलों को बुला रहे हैं हम। उन्हें पता चल गया होगा। ये बात तो उस्तादों के अलावा कार्दिनाल को मालूम थी आपको या एक मुझे? बिल्कुल, मगर हमारे अलावा और कौन जानता है खुद पता चल जाएगा। हमारे अंदर तो किसी जासूस का होना मुमकिन ही नहीं। खुदा करे तुम सही हो क्लाडियस, क्योंकि अगर वाकई उनके आदमी अंदर मौजूद हैं तो अब इस खेल में वो बिल्ली और हम चूहे साबित होंगे। वो कैसे अपने आदमी अंदर दाखिल कर सकते हैं? इससे पहले भी वो आदमी अंदर दाखिल करने में कामयाब हो चुके हैं। वो आरफी और वो राहिब के बेस में मुसलमान जासूस, उन लोगों से हर शय की तवक्को है। दरवाजों को मजबूत कराओ और कमजोर मकाम पर ज्यादा आदमी लगाओ। चलो जाओ, जल्दी करो। जैसे आपका हुक्म है। चलो तेजी से मुकम्मल करो सबका। सलेबियों को हमारे आ जाने की बिल्कुल तवक्को नहीं थी। सब कैसे अफरातफरी में भाग दौड़ रहे हैं। हम इन्हें बताएंगे कि जंग कैसे की जाती है बेटा। कब से भेस बदल बदल कर आ जाते थे हमें मारने। हम चाहिए थे ना इन्हें, लो आ गए। अब हम पर भी काई परचम इस किले पर लहराए बगैर लौटना हराम है। किसी को भेज कर उनसे बात करना मुनासिब नहीं आकर। बेहतर नहीं होगा कि हम फौरी और भरपूर हमला करें उनका महासा तोड़ने के लिए? वो इस वक्त बुलंदी पर है। उनकी तादाद भी हमसे कोई तीन गुना है। हमारे घोड़े भी किले के बाहर अस्तबल में मौजूद थे। उन पर भी कब्जा हो चुका होगा अपने में। वे फंस गए हैं यहाँ पर। किले में तो नहीं घुस सकते वो। ना घुस सकते हैं ना हमें बाहर निकाल सकते हैं वो लोग। वो जिस वक्त हमसे बातचीत में मसरूफ होंगे हमारी मदद के लिए आने वाली फौज उन पर धावा बोल देगी। पीछे से सलीबी तंजीम को जो पैगाम भेजा है वो दोपहर से पहले वहाँ पहुँच जाएगा और दो रोज में वहाँ से फौज आ जाएगी हमारी मदद को। तो यानी आप उनसे बात करेंगे? बिल्कुल, पता तो चले उन्हें तकलीफ क्या है। तुम भी मेरे साथ आओ क्लाडियस, घोड़े तैयार करो हमारे।
तुम्हें हथियार डालने के लिए आज शाम तक की मोहलत दे रहा हूँ मैं कृतुष। और अगर हमने हथियार ना डाले तो क्या होगा सुलेमान? तो फिर ना तले की कोई ईंट बचेगी और ना ही कंधों के ऊपर कोई सर। अब मामूली चरवाहे इतने ताकतवर हो गए हाँ? पर यहाँ तक आने की जहमत क्यों की तुमने? मैं तो तुम्हें मिटाने के लिए वही आने वाला था बहुत जल्द। जितनी जबान चलती है उतना हथियार भी चला लिए होते रितुष, तो हमें खामखा तुम्हें सबक सिखाने के लिए यहाँ आने की जहमत ना उठानी पड़ती। तो फिर बातचीत किस लिए करना चाहते? बिला सामने कर देते तुम हमला। हम मुसलमान जब भी काफिरों से जंग करते हैं उन्हें एक आखिरी मौका जरूर देते हैं। इसलिए देते हैं कि शायद वो सही राह पर आ जाए। अब मैं तुम्हें आखिरी बार खबरदार कर रहा हूँ, पला छोड़ दो। अपने तमाम सिपाही और तमाम हथियार हमारे हवाले करके अपने अपने मुल्कों पर लौट जाओ। ऐसी सूरत में तुम्हारी जान बख्शी कर दूंगा मैं। तुम सलेबियों को जानते नहीं हो, अभी मर जाएंगे लेकिन हथियार नहीं डालेंगे। अगर छीन सकते हो तो छीन लो हमसे गला। वक्त आ गया नीतुष तुम्हारी मौत का। बोलो शहनाज खातून। हमारे मर्द दुश्मन के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, मुझे खेमे में पड़े रहना अच्छा नहीं लग रहा। आपकी इजाजत हो तो मैं भी कुछ काम करवा दूं। चलो आ जाओ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम बहनों। अस्सलाम वालेकुम अमीन। हमारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, अगर यहाँ भी सब तैयार हो चुका है तो हम निकलते हैं। ये क्यों आई है यहाँ पे? कह रही थी मर्द जंग लड़ रहे हैं तो मैं खेमे में पड़ी नहीं रह सकती। मैंने कहा चलो आ जाओ। शहनाज फौरन चली जाओ यहाँ से। मरमूस वजूद दूर रखो यहाँ से। आईना देखो तुम्हें यहाँ गुलदारू क्या कहा है मैं? अगर पहले ही शहनाज का मामला मुझ पर छोड़ देते तो ये सब कुछ ना होता तुम्हारे साथ। उसे सीधा कर देती मैं गुलदारू। यकीनन ईसा हमारे साथ हैं।
ईश्वर आपकी हिफाजत करे। और कोई बात है कार्डिनल अली खुद इस तरह अचानक घोड़े दौड़ाते हुए इतने मजबूत करे पर चढ़ाई करने आ जाए, इतने पागल नहीं है वो। तो तुम्हारे जहन में क्या है तीतुस? हमारे दरमियान जरूर कोई जासूस है। क्या वक्त आ गया है हम पर तीतुस। एक वक्त था क्या योगी महल में हमारे जासूस मौजूद थे, इफ्तालिया नासिर सलजोक महल में कारत हुई था, फिर उसके बाद पाई कबीले में कुर्दोगलो, और अब वो हमारे अंदर जासूस भेजने में कामयाब हो गए हैं। वाह भाई वाह, कितने ऊंचे उड़ रहे हैं ये तुर्क चरवाहे। उस जासूस को मैं जरूर ढूंढ निकालूंगा। उस्ताद हजरत बहुत परेशान है। उस्ताद पैतृकों की गलतियों का खमियाजा नहीं भुगतना चाहते। अगर ये इत्तला हाथ से निकल गया तो ये सलीबी जंग बहुत खतरे में पड़ जाएगी। बहुत बुरा होगा तीतुस, अगर तुम सही कह रहे हो तो मुसलमानों के दुश्मनों के बजाय जो उनसे मुआहदे करने के ख्वाहिशमंद हैं सब जीत जाएंगे, और ये बहुत बड़ी तबाही होगी तीतुस। तुर्कों से हमेशा के लिए निजात पाने का एक शानदार मौका हाथ आया है कार्डिनल, सोने की थाली में सजा हुआ मौका। मैं ये मौका जाया नहीं करूंगा। अपने काम से काम रखना है ग्लाडियस, अगर ज्यादा गड़बड़ होने लगे तो इस मनहूस जगह से जान छुड़ाने का रास्ता ज़हन में रखना। बेफिक्र रह मेरे आका। अब तो यहां से तेरी लाश निकलेगी काफिर। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या सूरत हाल है दिल कबीर? मेरे आका, कलेर की वो जो सुरंग है तवक्कुर से ज्यादा मुश्किल निकली। तो क्या टूट नहीं सकेगी चाचा दमीर? टूटेगी, जरूर टूटेगी, लेकिन और ज्यादा आदमियों की जरूरत होगी। मगर ये भी डर है कि शोर ज्यादा होगा तो इस तरह काफिरों को खबर हो जाएगी। कोई हल कोई चारा नहीं है दमीर, फिर तो काम और भी मुश्किल हो गया। अब हमें कोई और सुरंग ढूंढनी होगी। दिल पूरे कुवत लगा दो सुरंग पर, अपने सारे औजार हथियार आजमा, जो करना है करो, मगर इस कले में दाखिल होना है हमें। जो आपका हुक्म आका, जो आपका हुक्म। ये जो मक्तूब है इस पर अगर आप सबके दस्तखत होंगे तो हमारी मदद को आने वाली फौज की तादाद और ज्यादा बढ़ जाएगी। एक भी तुर्क जिंदा बचकर नहीं जाएगा यहाँ से। अगर तुर्क कलेर में दाखिल हो गए तो? ये मुमकिन नहीं उस्ताद रिकार्डो। ना उनके पास नकाब लगाने के लिए साजो सामान है, ना फसील के दरवाजों पर कुव्वत बढ़ाने के लिए जंगी सलाहियत। वो बस सीधे साधे चरवाहे हैं, ये ना भूलें। तो क्या उनके सिपाही और उनका सरदार सब पागल हैं क्या उस्ताद तीतुस? इस कदर जंगजू लेकर वो यहाँ तफरी करने तो नहीं आए ना? उस्ताद हजरत, मेरा नाम तीतुस है। इन जाहिल चरवाहों का जो भी मंसूबा है मेरे जासूस मुझ तक पहुँचा देंगे। आप लोग बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। ये मक्तूब जैसे ही सलीबी तंजीम को पहुँचेगा वो फौरन हर शय को छोड़कर इस पर तवज्जो देंगे। इस मक्तूब पर दस्तखत का मतलब तुर्कों की मौत के फरमान पर दस्तखत है।
कौन हो तुम? तुम्हारा यहाँ क्या काम है? मैं कर्दिनल थॉमस का जमजू हूँ, मेरा नाम क्लाडियस है। क्या चाहते हो तुम? अंताकिया की कलीसिया के लिए एक इंतहाई अहम मकतूब है। कार्दिनल का हुक्म है। उस्ताद तीतरिस के हुक्म के बगैर मैं कोई पैगाम नहीं भेज सकता जंजू क्लाडियस, माजरा चाहता हूँ। मैं समझता हूँ। कबूतर अर्तुगरुल भाई को मेरा सलाम कहना। उमर ने अपना काम कर दिया है, अब आगे हमारा काम है। पहरेदारों और महाफिजों की तादाद को दुगनी कर दो अर्तुगरुल। कल इसे खबर भेजने के लिए सर तोड़ कोशिश करेंगे वो। उमर तीतुस के पैगाम रसा को रोकने में कामयाब नहीं हो सका, तो हमें करना होगा ये। पर खून लगा है, कातिल ने साफ कर दिया मगर फिर भी लगा रह गया। यानी जासूस जख्मी होगा जरूर, मरते मरते ये कातिल को जख्मी कर गया। या अल्लाह, मुझे बख्श दे। अगर तू बख्श देगा तो तेरे बंदे भी तेरी रहमत से माफ कर देंगे। बाबा आपको यहाँ नहीं आना था।